हेलो, मैं रायपुर हेल्थ क्लिनिक तात्यापारा चौक रायपुर छत्तीसगढ़ से डायरेक्टर जीपी सिंह। शीघ्र पतन की आज मैं बेहतरीन तीन ऐसी दवाएं बताऊंगा, यदि उसका उपयोग करते हैं तो बहुत ही जबरदस्त आपको रिस्पांस मिलेगा। तो शीघ्र पतन क्या है? एक मेल फीमेल से, पुरुष स्त्री से जब संबंध बनाने के लिए जाता है, पत्नी प्रेमिका के संतुष्टि से पहले, तृप्ति से पहले वीर्य का स्खलित हो जाना, गिर जाना शीघ्र पतन या प्री मेच्योर इजैकुलेशन के नाम से जानते हैं। शीघ्र पतन एक ऐसी समस्या है जिससे पुरुष में समझताओं के हर तीसरा व्यक्ति शीघ्र पतन से परेशान है। देखिए, शीघ्र पतन का मतलब सिर्फ इतना है कि पार्टनर की संतुष्टि न हो पाना। शीघ्र पतन समय कितना होना चाहिए? मैं कहता हूँ बिफोर प्ले 15-20 मिनट तक, और उसके बाद हम समझते हैं 10-12 मिनट से लेकर के 15-20 मिनट तक की टाइमिंग को यदि रखते हैं तब आपका पार्टनर सेटिस्फाई होगा, संतुष्ट होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो शीघ्र पतन का कारण क्या क्या हो सकता है? पहला, ओवर मास्टरबेशन। 10-12 बरस के बाद बच्चे गलत तौर तरीके जरूरत से ज़्यादा जब अपना लेते हैं, मास्टरबेशन कर लेते हैं, तो मसल्स वीकनेस, मानसिक वीकनेस ये सब आ जाती हैं, जिसकी वजह से भी शीघ्र पतन हो सकता है। हार्मोनल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है जो पुरुष के अंदर पुरुषत्व यानी लिंग का विकास, तनाव, डिस्चार्जिंग शुक्राणु, पौरुष शक्ति, पुरुष के अंदर पुरुषत्व को निश्चित करता है। ये हार्मोन से यदि फर्स्ट क्लास का बनेगा, फर्स्ट क्लास का तनाव, फर्स्ट क्लास के डिस्चार्जिंग, फर्स्ट क्लास के शुक्राणु आदि होंगे। हार्मोन्स कम बनेगा तो कम, और एकदम नहीं बनेगा तो एकदम नहीं रिस्पॉन्स मिलता है। अगली चीज़ है नशा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ड्रग्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं सेक्स की दुश्मन है और सेक्स परफॉर्मेंस में कमी ला देती हैं। पेनिस का जो ग्लांस होता है, शिश्न मुंड होता है, जन्म से ही बहुत से लोगों का जरूरत से ज़्यादा सेंसिटिव होता है, या मास्टरबेशन की वजह से उस ग्लांस में सेंसिटिविटी आ जाती है, जिसकी वजह से भी वीर्य बहुत जल्दी गिर सकता है, कमजोरी हो सकती है, शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी हो सकती है, उतावलापन भी हो सकता है, जल्दबाजी भी हो सकती है। अगर हम बहुत दिनों के बाद सेक्स ज्वाइन करने जा रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, तो भी वीर्य जल्दी गिर सकता है। और आपका इरेक्शन, अगर पर्याप्त तनाव नहीं है, आप कोशिश कर रहे हैं बार बार, तो दिमाग पर दबाव पड़ता है और कोशिश करते करते ही वीर्य गिर जाता है। मेडिकल इशू में बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी, हार्ट, कोई भी समस्या हो तो शारीरिक, मानसिक या हार्मोनल गड़बड़ी आ जाती है, जिसकी वजह से सेक्स परफॉर्मेंस ठीक से नहीं हो पाती है। मैं तीन दवाएं बता रहा हूं जो आराम से एक अच्छे मेडिकल स्टोर से आप ला करके उपयोग कर सकते हैं। पहली जो दवा है सिद्ध मकरध्वज स्वर्ण, सिद्ध मकरध्वज स्वर्ण लीजिए पहली दवा। दूसरे ले लीजिए प्रवाल पंचामृत बटी, प्रवाल पंचामृत बटी आती है उसको ले लीजिए। तीसरी दवा है मनमथ रस, तीसरी दवा है मनमथ रस। तो इन तीनों दवाओं में से एक एक टैबलेट यानी बटी सुबह, दोपहर, शाम एक आध कप दूध से या शहद से या मलाई से, कैसे भी आप ले सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम एक एक टैबलेट लीजिए, देखिए मजा ना आ जाए तो कहिएगा। और जो दूध लें उसमें थोड़ी सी मिश्री युक्त डाल दिया करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मिश्री युक्त दूध, गाय का दूध सबसे बेस्ट हम मानते हैं। देखिए, चूंकि इरेक्शन में भी प्रॉब्लम होता है तो एक और लिक्विड आता है अश्वगंधा रिष्ट, अश्वगंधा रिष्ट। खाना खाने के 20-25 मिनट के बाद 3-4 चम्मच ये लिक्विड और 3-4 चम्मच पानी के साथ खाना खाने के आधे घंटे के बाद ले लिया करिए, बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलेगा। मान लीजिए आपका पेनिस का जो ग्लांस है जरूरत से ज़्यादा सेंसिटिव है, तब क्या करेंगे आप? मेडिकल स्टोर पर लॉक्स जेल आता है, LOX लॉक्स जेल आता है। संबंध से 5-7 मिनट पहले लिंग का कवर हटा देंगे, जो ग्लांस है, शिश्न मुंड है, उसमें 7-8 बूंद लगा करके 4-5 मिनट तक हल्का हल्का धीरे धीरे मसाज करिए, उसके बाद लगा रहने दीजिए। उसके बाद 15-20 मिनट तक आप बिफोर प्ले करें, देखिए। उसके बाद जब बिफोर प्ले के बाद संबंध बनाने जाएंगे तो मरहम को पोंछ देंगे। पोंछने के बाद जैसे वजाइना के अंदर पेनिस गया, 10-15 स्ट्रोक रुक जाइए, 10 सेकंड 10-15 स्ट्रोक रुक जाइए, 10-15 स्ट्रोक रुक जाइए। इस तरीके से जब 3-4 मिनट के बाद देखेंगे लिंग का टेम्परेचर, योनि का टेम्परेचर लगभग बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा, जो वीर्य गिरने की स्थितियां रहती है, जो उस पेनिस का जो सेंसिटिविटी रहती है वो कंट्रोल में आ जाएगी। और आराम से 25-50 स्ट्रोक 10 सेकंड रुकिए, 25-50 स्ट्रोक 10 सेकंड रुकिए, इस तरह स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक अपना करके आराम से आप एक दूसरे को शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर सेटिस्फाई कर सकते हैं।
कुछ चीज़ें आपको एकदम नहीं लेनी चाहिए, जैसे इमली होती है, कच्चा आम या आम का अचार हो सकता है, फास्ट फूड हो सकता है, नशा, बीड़ी, सिगरेट, शराब हो सकती है, आलस्य हो सकता है, या बहुत ज़्यादा आप डरते हैं सेक्स में तो भी वीर्य जल्दी गिर सकता है। जो भी हो, इतनी सब चीज़ों से बचाव करें। और कुछ चीज़ें जरूर करनी चाहिए, जैसे योग, प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, 1 से 1.5 घंटा जरूर करें। योग 30-40 मिनट, अनुलोम विलोम 15-20 मिनट, धूप में 1 घंटा जरूर बैठें, पेट को साफ रखें, 8-10 बादाम भिगो करके रात को सुबह चबा चबा करके आप ले सकते हैं, अखरोट 2-3 पीस ले सकते हैं, तिल भून करके रख लीजिए 1 चम्मच, उसको भी सुबह शाम कभी भी ले लीजिए आप, अलसी, फ्लैक्स सीड्स, इसको भी आप भून कर रख लीजिए 1 चम्मच, कभी भी लिया जा सकता है। अगर गर्मी का दिन हो तो दही के साथ लेंगे, चूँकि यह गर्म होता है। इतना चीज़ करिए। एक चीज़ और आप बहुत ज़बरदस्त मिलती है, मोरिंगा, मुनगा जिसको बोलते हैं, मोरिंगा, उसकी 25-30 पत्तियाँ अगर आपके आसपास लगी हो तो ज़रूर आप दिन भर में एक बार चबा चबा करके खा लिया करिए, बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ये जितनी चीज़ें हैं जरूर करें, 110% आपको शीघ्र पतन में रिस्पॉन्स मिलना ही मिलना है। मान लो किसी कारणवश आपको ठीक से सफलता नहीं मिलती है, रायपुर हेल्थ क्लिनिक तात्यापारा चौक रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है, हमसे मिल सकते हैं, या हमारे डॉक्टरों की टीम रहती है उनसे मिल सकते हैं, या यहाँ से आप हमारी मदद से दवाएं बनवा करके मंगा भी सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।